अब ऐसा नहीं सोचता हूँ। जख्म में दर्द नहीं है। जोया करेगी जायरा के फोन से साद को कॉल और उसको अपने घर बुलाकर कहेगी कि मैं बहुत मुश्किल में फंस चुकी हूँ, मुझे आपकी शदीद ज़रूरत है। ये मैसेज पढ़ने के बाद साद भागते हुए जायरा के रूम में जाने के बाद पीछे से जोया उसके पीछे दरवाज़ा बंद करेगी। उसी दौरान उमेर घर आएगा और कमरे के अंदर घुसते ही दोनों को बेडरूम में देखते ही उसका तमाम शकूक यकीन में तब्दील होकर उस पर गोली चलाने तक को